साल तो नया आया लेकिन एम्बुलेंस है पुराना, कब जो है इस मुमरा शहर को मिलेगा नया एम्बुलेंस? मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। नए वर्ष के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी नए वर्ष के साथ सबसे पहला हम आपको ये नया वर्ष का पहला खबर दिखा रहे हैं जिसमें मुमरा में एम्बुलेंस जो पुरानी है उसे कब नया किया जाएगा। वर्ष 2023 जा चुका है, 2024 का ये साल शुरू है और इस साल में सब कुछ नया है तो ये एम्बुलेंस पुराना क्यों? मेरे पीछे देखेंगे ये जो एम्बुलेंस दिख रहा है ये लगभग मैं लंबे अरसों से देख रहा हूँ, जब से मैं मुमरा कौसा में रह रहा हूँ तब से ये एम्बुलेंस इसी तरीके से लचर व्यवस्था में है। अगर इस एम्बुलेंस में जो पेशेंट है वो जाएंगे तो उनकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे हिसाब से वेंटिलेटर चलता होगा ना ऑक्सीजन चलता होगा। और ये जो आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के हाल देखिए, बिल्कुल धूल मट्टी बिल्कुल इस तरीके से है। मैं चाहूँगा कि आप देखो कि पूरा धूल मट्टी जो है इस एम्बुलेंस में है, यानी इसे धुला भी नहीं गया है। और ये एम्बुलेंस बिल्कुल मेरे हिसाब से ये एम्बुलेंस नहीं, ये खटारा है। और ये खटारा आप देखिए कि पूरा जंग लग चुका है। विधायक जितेंद्र राठ साहब की फ़ोटो के पास देखिए कि पूरा जो है हालत देखने लायक है। यहाँ से आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल नंबर वगैरह सब मिट गया है, यानी ये एम्बुलेंस मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा खुदाई में ये एम्बुलेंस मिला है और इसी एम्बुलेंस को मुमरा शहर के लिए दे दिया गया है। फ़ोटो लगाने के लिए तमाम नेताएँ आ जाते हैं लेकिन इस एम्बुलेंस की हालत देखने कोई नहीं आता। अब यहाँ से ये कंडीशन देखेंगे कि पीछे से भी पूरा जो है बेकार कंडीशन में पड़ा हुआ है और ये देखने लायक नहीं है कि ये एम्बुलेंस है या कोई खटारा। अब इस पर लोग अपने अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट में कि इस पर किस तरीके से नया वर्ष पर नया एम्बुलेंस लोगों को मिलना चाहिए। और ये पुराना एम्बुलेंस है तो ये चलता भी नहीं है। और मुमरा कौसा में ऐसे बहुत सारे मेरे ज़ाती तौर पे भी देखे हुए मसले हैं जिनमें ये एम्बुलेंस के कारण काफ़ी लोग कलवा नहीं जा पाते। सबसे ज़्यादा अब्दुल्ला मामू की एम्बुलेंस यूज़ होती है और उसी एम्बुलेंस के सहारे मुमरा में लोग जो है वो भरोसा करके उन्हीं को याद करते हैं। और भी लोगों का एम्बुलेंस है लेकिन वो सिर्फ दिखाने लायक है। और ये पूरा एम्बुलेंस आप देखेंगे कि आगे से धूल मट्टी का शिकार हो चुका है और ये एम्बुलेंस बिल्कुल लचर है। मेरे चाहूँगा यहाँ पे एक रिक्शा वाले मुझे देख रहे एम्बुलेंस कितनी अच्छी आपको कंडीशन में दिख रही है। किधर कंडीशन में है, क्या कंडीशन चलने के लायक है, क्या होगा कंडीशन, क्या बताएगी उसकी कंडीशन? नया साल है तो नया एम्बुलेंस क्यों नहीं? वही तो नया एम्बुलेंस, अभी वो मुसीबत जो इधर का जो ये है इंचार्ज सबको विधायक जितेंद्र राठ जी की फोटो है तो उनसे कुछ अपील रहेगी कि नया साल है तो नया एम्बुलेंस दिया जाए। हाँ तो वही सा ये है कि नया एम्बुलेंस देना मांगते हैं, नया साल है नया तरह की कुछ होना मांगते हैं। कितनी तकलीफ होती है आप शहर वासी हो तो एम्बुलेंस नहीं होने के कारण कितना तकलीफ होता है पेशेंट को जाने आने में? बहुत तकलीफ होता है आने जाने में, बहुत तकलीफ होता है। किसको फोन करेंगे? हर कोई अफोर्ड कर पाता है आप रिक्शा चालक को कलवा के लिए जैसे 250 जाता है हर कोई अफोर्ड करता है? आप भी देखे होंगे फ्री में छोड़ते होंगे? हमें तो छोड़ते हैं दिन में भाई एक आध तो मिलती है, मिल ही जाते हैं। हाँ। जब एकदम लाचार ही मिल जाते हैं तो छोड़ ही देते हैं उनको। हाँ मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एम्बुलेंस तो मुमरा में है किधर एम्बुलेंस? ये सब देखो ना सब तुम्हारे सामने तो खटारा सब पड़े ले इधर किधर है, रोड पे भी बिलाल के पास भी देखो उधर भी खटारा पड़े ले। फ्री एम्बुलेंस है कहीं? कहीं नहीं है फ्री, सब बोलते हैं फ्री है, फ्री है किधर? फोन करो तो कुछ नहीं उठाते नहीं है, अवेलेबल है इसने फोन। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक लचर व्यवस्था में नया साल पर नया एम्बुलेंस की हम मांग करते हैं, विधायक जितेंद्र अवार्ड जी से मेरी विनती है कि जब नया साल है सब कुछ नया है तो एम्बुलेंस पुराना क्यों, और ये पुराना है तो आखिर चलता क्यों नहीं? ऐसे तमाम सवालात का जवाब अभी यहाँ के नेताएं दे, विधायक जितेंद्र अवार्ड जी दे, और जो माननीय शमीम खान है जिनका पोस्टर लगा हुआ है वो कृपया ध्यान दे कि एम्बुलेंस आप खुद ही देखिए। मेरे पेशेंट को तो चलने लायक एम्बुलेंस होगा नहीं, आप भी अपने कमेंट में सुझाव दीजिए क्या आप इस एम्बुलेंस से अपने मरीज को ले जा सकते हैं कि इतना खटारा है कि अगर आप रिक्शा से भी या पैदल भी जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे लेकिन इस खटारा से अगर आप जाएंगे तो आप जो है पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि जान को जोखिम में डालेंगे। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख मुंबई टीवी।